आयोजक या क्यूरेटर श्री अदिति नंदन जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र श्रीमान अजय सिंह जी, डॉक्टर एस सिद्धार्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम बिहार, इस इनिशिएटिव से जुड़े हुए सभी साथी, उस एडिशन का शुभारंभ में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मैं पंकज जी टीवी 9 का विशेष आभारी, जिनके कारण मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हो सका। श्री अदिति जी और उनके साथियों ने बिहार के सामर्थ्य और बिहार की यूनिक आइडेंटिटी में समान विचारधारा रखने वाले मित्रों के बीच कोलेबोरेशन के द्वारा इस भूमि के इन्फ्लुएंसर्स एंटरप्रेन्योर्स को जोड़कर बिहार की तस्वीर बदलने का एक उम्दा प्रयास प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। अतिथि जी तथा ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना भी करता हूँ। 23 जून 1957 के प्लासी युद्ध के 116 साल बाद 1873 में नवीन चंद सेन ने एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी, नाम उसका पलासिर युद्ध था। पलासी की जगह उन्होंने पलासिर शब्द यूज किया, जिसे ब्रिटिश शासन ने उस समय बैन कर दिया था। लेकिन ये पुस्तक बिहार के घर घर में उस समय पढ़ी जाती थी। पलासी के युद्ध के पश्चात ही बिहार में एक नई क्रांति का जन्म हुआ था। 1780-81 में सासाराम, छपरा, पटना, गया अनेक स्थानों में क्रांतिकारी विचारों का बहुत तेज गति से प्रचार प्रसार हुआ था। पटना के संबंध में तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने 1857 में लिखा था कि मीर कासिम के समय से पटना एक विद्रोही नगर रहा है। मीर कासिम आप सब जानते हैं, मीर जाफर का दामाद था। 1760 से और 1763 तक बंगाल का नवाब भी था। मुझे लगता है कि वह ब्रिटिश अफसर लिखना चाहता था कि पटना स्वतंत्र विचारों का नगर रहा है, लेकिन उसने विद्रोही नगर लिख दिया। बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार की सीमा के बाहर जो लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिहार की आइडेंटिटी प्राचीन काल से ही बिहार के हर एक व्यक्ति के लिए सबसे अधिक गर्व का विषय रही है। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संस्कार, साहित्य, उद्यम, आध्यात्म, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां अपने नवीन विचार और कर्म के मेल से बिहारवासियों ने अपनी छाप न छोड़ी। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में अज्ञात कवियों की बाढ़ सी आ गई थी। उन कवियों का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी प्रकार राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का विचार समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आजादी के पश्चात के दशकों में सामाजिक भेदभाव, जातिपात के प्रभुत्व तथा कई अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से सदियों की मेहनत से कमाई गई संपदा को कहीं न कहीं बिहार ने गंवा दिया। एक समय था, हालात यहां तक पहुंच गए थे कि लोग अपनी बिहार की आइडेंटिटी बताने में भी शर्म महसूस करने लगे थे। ये कड़वी सच्चाई भी है, जो समाज अपनी पहचान, अपने स्वाभिमान को खो देता है, वो आत्मिक रूप से निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। उस समाज में नए विचारों का जन्म भी बंद हो जाता है। बशीर बद्र ने एक शेर लिखा था, मैं उद्धृत करना चाहूंगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते आएगा। मैं मानता हूँ टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, और इसने सबको मिलकर के सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देने से भी मुझे लगता है कि चीजें नहीं हो सकती है। एक और सेक्टर है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा, जिन्हें उस सेक्टर में काफी काम किया है। टूरिज्म सेक्टर के पोटेंशियल को पूरी तरह अभी टैप नहीं किया।
किया गया। दो महीने पहले अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी थी कि हयात होटल ग्रुप्स ने बोधगया में अपना शायद कोई होटल बनाने का काम शुरू किया है, बन गया है। हाँ, तो मुझे अगर ध्यान है तो हम्पी के बाद शायद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गया ही है जहां हयात होटल्स ग्रुप ने अपना होटल बनाया है। अब रिलीजियस टूरिज्म हो, इकोलॉजिकल टूरिज्म हो, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो, इसके लिए विशेष रूप से प्रयास। और एक धारणा जो बैठ जाती है कि सरकार इसमें बहुत कर सकती है, मुझे लगता है कि सरकार जितना ज्यादा करेगी उतना बंटाधार होगा। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अधिक से अधिक नहीं आएगा, सरकार उसको कैसे फैसिलिटेट करे, सरकार उसे कैसे आकर्षित करे, इसका प्रयास सरकार कर सकती है। और ढेर सारे लोकेशंस हैं, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। गिरमिटिया के समय से वर्तमान दौर तक अगर आप देखेंगे तो बिहारी डायस्पोरा संख्या और सामर्थ्य के मामले में पूरे देश में अव्वल है। फिजी, ट्रिनिडाड, सूरीनाम जैसे देशों में तो बिहार यात्रा को तीर्थ यात्रा के तौर पर देखा जाता है और आज भी लोग अपनी जड़ों को ढूंढते हैं। उस संभावना को हम कैसे टैप करें? टूरिज्म अपने साथ पूरी आर्थिक व्यवस्था लेकर चलता है और इसलिए मुझे यकीन है कि अगर बिहार का सांस्कृतिक पुनर्जीवन फिर से प्राप्त होना है, उसकी वैश्विक पहचान स्थापित करनी है, तो इस क्षेत्र पर हमें निश्चित रूप से ध्यान देना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना यहाँ चल रही है, मुझे लगता है कि ये और बेहतर किया जा सकता है। पारंपरिक उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सेक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। फिल्म, आईटी, मीडिया, साहित्य, शिक्षा से लेकर उद्योग जगत तक के बिहार के टैलेंट का मुकाबला नहीं है। पंकज जी जीते जागते उदाहरण है। बिहार के भीतर टैलेंट के अभाव की पीड़ा नहीं, लिक्विड नेटवर्क निश्चित रूप से इसे दूर करेगा। पिछले 3 एडिशन द्वारा अदिति जी ने काफी हद तक एक रोडमैप तैयार कर लिया। बड़ी मेहनत और तमाम आशाओं आकांक्षाओं के साथ बिहार की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति की दिशा में समाज की तरफ से किए जाने वाले योगदान का काम उन्होंने हाथ में लिया। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में इनके प्रयासों को एक जन आंदोलन का रूप लोग मिलकर के दे सकेंगे। एक अंतिम बात 2 मिनट में खत्म करूंगा। अब गवर्नेंस भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कैसी होगी, इस पर अभी से प्लानिंग करने की जरूरत है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही, कोई सोच नहीं सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मोटे तौर पर 2-3 बातें जो हम लोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, विकसित भारत के लिए बिहार के त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना ही होगा। और मेरा ये मत है कि बिहार में भारतवर्ष के विकास का इंजन बनने की पूरी संभावना मौजूद है। अभी इसी महीने बिहार का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो ध्यान में बात आई GSDP और पर कैपिटल GSDP में बिहार में निरंतर वृद्धि हो रही है। बिहार का आर्थिक वृद्धि दर बनकर बैठ गया है। मुझे प्रसन्नता है कि समय का चक्र बदला है। 21वीं सदी में बिहार में फिर से एक बार पुनः जीवंतता आई, नए विचारों का जन्म भी हो रहा है और उसी कड़ी में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव प्रयास भी कर रहा है। बिहार की आइडेंटिटी, बिहार का गौरव और गौरव की भावना, बिहार की तस्वीर बदलने के विचारों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए। मुझे लगता है कि विचारों को लक्ष्य की प्राप्ति का द्वार माना जाता है हमारे यहाँ। अगर हमारे विचारों में दृढ़ विश्वास हो तो वह न सिर्फ समाज को समझाने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं बल्कि वही परिवर्तन के कारक भी बनते हैं। मुझे लगता है कि जो विचार परिवर्तन का आधार बन जाते हैं वह समाज में सेल्फ रेप्लिकेट करने लगते हैं। ईडी ऑस्पेंस्की ने अपनी किताब टर्टियम ऑर्गेनम लिखा है कि विचारों की ऊर्जा, उसकी शक्ति असीम है, अपार है, अनंत है। एंड ही हैड सेड एंड आई कोट, आइडियाज कैन लिबरेट इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी एंड
create infinite series of phenomena. An idea connect for centuries and millenniums and only grow and deepen, evoking our new series of phenomena, liberating our fresh energy. We know that thoughts continue to live and act when even the very name of the man who created them has been converted into a myth, like the names of the founders of ancient religions, the creators of the immortal potential works of antiquity, heroes, leaders, prophets. Their words are repeated by innumerable lips. Their ideas are studied and commented upon. Unquote. मुझे विश्वास है कि आप लोग जिन नए विचारों पर काम कर रहे हैं वह सेमिनार तक सीमित न होकर लक्ष्य की प्राप्ति में भी निश्चित रूप से सहयोग करेगा, और मैं समझता हूं यही ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं जन केंद्रित विचारों के आधार पर स्ट्रेटजी बनाने तथा उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट करने के टाइम बाउंड मैनर में परिवर्तन लाया जाए, मैं समझता हूँ इस पर सभी लोग भरोसा करते होंगे या विश्वास करते होंगे। स्ट्रेटजी, स्पीड और स्केल, अगर हम इन तीन एस को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों के साथ पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते की चुनौतियां भी सीढ़ियां बनती जाएंगी। नेपोलियन को जब निर्वासित करके सेंट हेलेना के निर्जन आइलैंड में भेजा गया तब उसने बड़ा आत्मचिंतन किया था। बाद में उसने अपने सलाहकारों से कहा था कि अगर वह अब अपने जीवन में किसी चीज से सबसे ज्यादा सावधान रहता है तो वह बौद्धिक सिद्धांत है। ब्रूनो कॉल्सन ने अपनी किताब में लिखा भी है कि बाद के वर्षों में अपने जय पराजय के अनुभवों से नेपोलियन को एक बात समझ में आ गई थी कि सही स्ट्रेटजी वही है जो अगर जमीन पर उतरे तो लक्ष्य प्राप्त करने का कैंपेन बन सके। और इसीलिए मेरी पहली सलाह होगी कि आप लोग मिल करके इस प्लेटफॉर्म को इंडिविजुअल्स और आइडियाज, व्यक्तित्व और विचारों के लिक्विड नेटवर्क के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ें। मुझे लगता है ये कोई कठिन काम नहीं होगा। सामान्य तौर पर अगर देखें तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये बड़ा नंबर है, लेकिन अगर न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ विस्तृत कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स होते हुए भी मस्तिष्क की उपयोगिता जो है वो व्यर्थ साबित हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव में वो क्षमता है कि इस अभियान से जुड़ी हस्तियों, व्यक्तित्वों का एक लिक्विड नेटवर्क स्थायी तौर पर तैयार करें, समाज के सबसे इन्फ्लुएंसिंग न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन स्थापित करें जो बिहार के सर्वांगीण विकास के एकमेव लक्ष्य के साथ आने वाले दिनों में काम करें। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार के टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं। हर एक क्षेत्र में बिहार के लोगों ने इस बात को साबित भी किया है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। उस टैलेंट पूल का अधिकतम उपयोग कैसे हो, उसका कनेक्शन और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि बिहार की 13-14 करोड़ की जनसंख्या को आर्थिक ताकत के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सके। यह सच है कि कभी यह शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। अनेक नाम लिए जा सकते हैं, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, इन विश्वविद्यालयों की जो भूमिका रही है उस प्रतिष्ठा को कैसे हम पुनर्स्थापित कर सके। और केवल सरकार इसे नहीं कर सकती, समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी इसके लिए आगे आना होगा। आर्थर कास्टलर ने अपनी किताब द एक्शन ग्रीस के लिक्विड नेटवर्क को अपने दायित्वों का निर्वहन निश्चित रूप से बिहार के विकास में करना होगा। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हर एक संस्थान, हर एक व्यक्तित्व को एक नया अवसर मिला है, रिफॉर्म्स के जरिए इंडस्ट्री तथा एकेडमिक्स की गहरी खाई कैसे भरी जाए, ऐसे
परिवर्तन का प्रतिनिधित्व बिहार कैसे कर सकता है, मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सच है कि अनेक दशकों तक बिहार की छवि एक ऐसे राज्य की थी जिसने हर वर्ष सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स पैदा किए। अन्य प्रशासनिक सेवाओं में भी भारत को बड़ी संख्या में अधिकारी दिए, कई पीढ़ियों को उन्होंने प्रेरित भी किया। बिहार को इंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए, इस क्षेत्र में भी अनेक लोग देश के दूसरे हिस्सों में तो बड़ा काम कर रहे हैं, वो बिहार में कैसे काम करें, ये विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। बिहार को स्टार्टअप भी चाहिए, यूनिकॉर्न भी चाहिए, लेकिन ये बेंगलोर में अगर पैदा होते हैं, देश के दूसरे हिस्से में अगर ये काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कैसे आकर के बिहार में काम करें, ये बड़ा आवश्यक है। नए इनोवेटर्स भी चाहिए जो यहाँ एक नए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को जन्म दे सकें और बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान दे सकें। साथ ही साथ हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकें। बिहार को ऐसे क्रिएटिव नेटवर्क की आवश्यकता है जो समाज में एक जीवंत वातावरण पैदा करे, भेदभाव जाति पात में बटे समाज को एकता के सूत्र में कैसे पिरोया जाए और बिहार की पूरी सामूहिक ऊर्जा से कैसे बिहार को परिवर्तित किया जाए। अगर आजादी के बाद आप देखते हैं बिहार को, तो देश के सबसे विकसित राज्यों में बिहार की गणना थी। पहली पंचवर्षीय योजना जब बनी और उसका ड्राफ्ट जुलाई 1951 में जब तैयार हुआ, तो उसमें बिहार को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए उस समय 55 करोड़ 70 लाख रुपए भारत सरकार ने सेंट्रल शेयर के रूप में दिया था। पैसे के इस आंकड़े को आंकड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि इस दौर में छोटे छोटे उद्योगों के लिए आवश्यक ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंडस्ट्री एवं वर्कर्स के बेहतर मैनेजमेंट, बॉम्बे, मद्रास और बिहार ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। उस रिपोर्ट में अन्य राज्यों को सलाह दी गई थी कि भाई आप लोगों को बॉम्बे, मद्रास तथा बिहार से सीखने की आवश्यकता है। फरवरी 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी जिसमें बिहार को 192 करोड़ और 90 लाख रुपए इंडस्ट्री तथा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने देने की अनुशंसा की थी। उस रिपोर्ट में भी आंकड़े से महत्वपूर्ण एक ऑब्जर्वेशन था कि देश के अन्य भागों की अपेक्षा बिहार और बंगाल में कनेक्टिविटी बेहतर बन रही थी। इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इन्हीं दो योजनाओं के दरमियान बिहार में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए थे, रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बरौनी रिफाइनरी, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी फर्टिलाइजर, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, दामोदर वैली कारपोरेशन, पतरातू पावर स्टेशन, स्कूटर फैक्ट्री, गढ़हरा लोकोमोटिव सेट तथा भारत का पहला रेलवे रोड ब्रिज राजेंद्र सेतु बना था। उस दौर में एजुकेशन सेक्टर में भी अनेक रिफॉर्म देखे थे और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वो नेतरहाट का स्कूल हो, मुजफ्फरपुर हो, जमशेदपुर हो, सिंदरी हो, गया हो, मोतिहारी हो, पटना का साइंस कॉलेज हो, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, भारतीय नृत्य कला मंदिर, संस्कृत कॉलेज जैसे अनेक महत्वपूर्ण संस्थान बिहार में उस समय थे। ये कहना ज्यादा उचित होगा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहा था और मैं समझता हूं कि आज अतीत की उपलब्धियों से नॉस्टैल्जिक महसूस करने की बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेकर अलग अलग सेक्टर्स के पोटेंशियल को जमीन पर कैसे हम उतार सकते हैं, बेहतर भविष्य कैसे हम निर्मित कर सकते हैं, इसका संकल्प हम ले सकते हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है, जब आजादी के बाद देश में राज्यों का बंटवारा हो रहा था तो बिहार की अकेली विधानसभा थी जिसने प्रस्ताव पारित किया बिहार और बंगाल को मिला दिया जाए, तो एक जो वातावरण देश में बन रहा था विघटन का, उस विघटन के वातावरण को रोकने का काम उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और पूरी विधानसभा ने किया था। उसका प्रतिनिधित्व बिहार करता रहा। 21-22 के इकोनॉमिक सर्वे को मैं पढ़ रहा था,
उसके मुताबिक बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेट मिशन, ऑयल सीड डेवलपमेंट मिशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन जैसे अनेक इंटरवेंशंस बिहार सरकार ने किए। वर्तमान में बिहार में 72.97 लाख हेक्टेयर एरिया में खेती की जा रही। मोटे तौर पर उस सर्वे के मुताबिक बिहार की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का योगदान लगभग 26% अनेक हिस्सों में मैं निजी तौर पर कई लोगों को जानता हूँ, उनका एक नेटवर्क बना करके वो अपने गांव में इस तरह की चीजें शुरू करें ताकि संपन्नता भी आएगी, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अब जम्मू कश्मीर का मैं जिक्र कर रहा था, मैंने थोड़ी बातें बताई। अदिति जी ने दिल्ली मुंबई नहीं बल्कि बिहार में आकर अपना उद्यम भी स्थापित किया, मैं आपको बधाई देता हूँ, स्वागत। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।